तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग उसी जगह से स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो को छोड़ा था। हम लोगों ने क्या किया था, अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर काली नेट हंटर को बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर लिया था, वो भी टर्मेक्स X11 के ऊपर। अगर आपको कोई आइडिया नहीं कि मैंने कैसे किया और ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो आई बटन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करना और स्टार्ट की दो ही वीडियो भी मैंने डाली हैं, वो दोनों वीडियो को देख लेना ताकि आप लोग यहाँ तक आ जाओ जहाँ पे आज मैं हूँ, ठीक है। और अगर आपको आई बटन ना मिल रहा हो तो सिंपल से चैनल पे जाना, वहाँ प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ ऑटोमेटिक आपको काली नेट हंटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलो, अभी हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट वीडियो के अंदर काली नेट हंटर को बहुत ही अच्छे से रन कर दिया था। मैं सिंपल से यहाँ पे क्या करूँगा, इंटर दबा दूंगा और यहाँ इंटर दबाते ही मेरा काली नेट हंटर बहुत ही अच्छे से रन हो जाएगा, ठीक। अभी मैं आपको आज की इस वीडियो में दो चीज़ें बताने वाला हूँ। जो पहली चीज़ है ना, उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग टर्मेक्स X11 को सही तरीके से सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा काली नेट हंटर है ना, वो फ़ोन में बहुत ही अच्छे से दिख पाए। मतलब क्या है, अभी आप लोग जब काली नेट हंटर को ओपन कर रहे होगे, वो बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रेट मोड में आ रहा होगा, बट जब आप लोग ये सारी सेटिंग कर लोगे ना, तो आपका काली नेट हंटर बहुत ही अच्छे से वाइड स्क्रीन में, लैंडस्केप मोड में आएगा, जिससे कि आप लोग उसके सारे टूल्स और उसके सारे फंक्शंस को अच्छे से एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने काली नेट हंटर को स्टार्ट कर दिया है। आपको क्या करना होगा, ये जो टर्मेक्स X11 है ना, इसके ऊपर इस टाइप से दबाए रखिए, ठीक है। जैसे आप लोग इसके ऊपर दबाए रखोगे, आपको कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक। आपको क्या करना है, ये जो प्रेफरेंसेस वाला सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो जो सेटिंग्स मैंने की है ना, आपको उन सारी सेटिंग्स को एग्जैक्टली कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं स्टार्ट से दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पे लगी हुई हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना और सारी सेटिंग को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने क्या क्या सेटिंग यहाँ पे लगा रखी है, और जिन जिन चीज़ों को मैंने ऑफ कर रखा है, आप लोग सिंपल से उन उन चीज़ों को ऑफ कर लो, जिससे कि आपके फ़ोन की सेटिंग और मेरे फ़ोन की सेटिंग एग्जैक्ट हो जाए, ठीक है। आप लोग क्या करना कि वीडियो को पॉज कर करके इन सारी सेटिंग्स को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो, अभी मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने सारी की सारी सेटिंग्स को देख लिया होगा, अब सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छे से हो गया। अब हम लोग जो दूसरी चीज़ इस वीडियो में करेंगे, वो है फायरफॉक्स को फिक्स करना। आप लोगों ने अगर नेट हंटर को स्टार्ट किया होगा और आप लोग वहाँ पे फायरफॉक्स के ऊपर जाते होगे और इंटरनेट चलाने की कोशिश कर रहे होगे, तो आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमें उसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल से मैं क्या करता हूँ, टर्मेक्स X11 को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरा जो काली नेट हंटर है, बहुत ही कमाल का लग रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, ये रहा कितना मतलब प्यारा सा लग रहा है कि नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया, हमारा जो फायरफॉक्स था ना, वो बहुत ही अच्छे से ओपन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या ज़रूरी सेटिंग्स करनी है हमें, ठीक है। हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, लिटरली किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ। जैसे कि मैं यूट्यूब के ऊपर चला जाता हूँ और मैं यूट्यूब को ओपन करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि YouTube हमारा यहाँ पे ओपन होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, YouTube को जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेक्शन आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। आइए देखते कैसे करना है। मैंने कुछ यहाँ पे कमांड्स को लिख रखा है, मतलब टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर कुछ नोट्स लिख रखे हैं। आपको अगर ये टेक्स्ट फाइल चाहिए तो पिन कमेंट में टेक्स्ट फाइल की लिंक है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोडिंग करने में कोई दिक्कत आए तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन पर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ टेक्स्ट फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट फाइल में बताया जा रहा है कि आपको जो सबसे पहला स्टेप लेना है ना, वो स्टेप लेना है अबाउट कॉन्फिग वाला। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अबाउट और कॉन्फिग लिखना है। कैसे लिखेंगे, हम लोग सिंपल से चले जाते हैं इस जगह पे, और इस जगह पे जाने के बाद मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ कट। अब बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही होती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई इसके अंदर टाइपिंग कैसे करें, उनका कीबोर्ड नहीं ओपन हो रहा होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी जितनी सेटिंग्स मैंने कराई है ना, वो सारी सेटिंग्स कर ली हैं, तब आपको मैं बताता हूँ कि कीबोर्ड कैसे ओपन होगा, ठीक। आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो बैक बटन है ना, इस बैक बटन को दबाना है, और जैसे ही आप बैक बटन दबाओगे, आपका कीबोर्ड बाहर आ जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको बैक कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस चीज़ को टाइप करता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अबाउट कॉन्फिग अबाउट, और यहाँ पर मैंने कॉलन लगाया कॉन्फिग, ठीक है। मैंने इसको लिखा और सिंपल से मैं करता हूँ एंटर। और जैसे ही आप लोग भी इसको लिखने के बाद एंटर करोगे ना, कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, एक्सेप्ट द रिस्क, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है।
जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अभी आपको क्या करना है, सेकंड वाला जो कमांड है इसको यहाँ पे एक्सक्यूट करना है, ठीक है। सेकंड कमांड क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिंपल से लिखा हुआ है मीडिया, ठीक है, और उसके बाद है डॉट CUBEB और उसके आगे लिखा हुआ है सैंड बॉक्स। तो हम लोगों को यहाँ पे सैंड बॉक्स को देख लेना है, ठीक है। ये रहा हमारा वो सेटिंग, और इसके आगे भी मैंने क्या लिख रखा है, इसको ट्रू से फॉल्स कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि ये ट्रू है, इसके ऊपर हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, और जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, अभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी ये जो लास्ट सेटिंग है इसको भी कर लेते हैं। सिंपल से मैं इसको करूँगा कट, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ से किया कट, ठीक है। लास्ट सेटिंग क्या है, सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी डॉट सैंड बॉक्स, और यहाँ पे मैंने सैंड बॉक्स लिखा, और इसके आगे क्या लिखना है हमें, कंटेंट लेवल, ठीक है। बट मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर ले रहा हूँ कहीं पे कंटेंट लेवल है क्या। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि सिक्योरिटी सैंड बॉक्स कॉन्टेंट लेवल वाला यहाँ पे सेक्शन आ रहा है। अभी क्या करना है हमें, इसको जीरो कर देना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मैं सिंपल से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे नंबर डालने के लिए बोल रहा है, मैं सिंपल से जीरो लिखूंगा। तो जैसे ही आप लोगों ने जीरो लिख लिया ना, अब इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से ये जो टिक वाला सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे जीरो सेव हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, अभी क्या हम लोगों को कोई और सेटिंग करनी है, बिल्कुल नहीं, कोई भी और सेटिंग नहीं करनी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से इसको कट कर लेते हैं मोज़िला फायरफॉक्स को, और यहाँ से अब हम लोग दोबारा से मोज़िला फायरफॉक्स को ओपन करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से चले जाते हैं इसी जगह पे, और यहाँ पे जाने के बाद वापस से ओपन करते हैं YouTube को, ठीक है। मैंने यहाँ पे YouTube को ओपन करने के लिए स्टार्ट कर दिया है, और अब की बार मैं बस मना ही रहा हूँ कि चल जाए, और अगर आप लोगों में भी ये वर्क कर जाए तो प्लीज़ आपको लिखना है वर्किंग और एक लाल कलर का दिल। क्या लिखना है, वर्किंग और एक लाल कलर का दिल। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा YouTube बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग कोई भी वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो। अब देखो, अगर आपको कोई भी साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो चिंता ना करना, अपकमिंग वीडियोस के अंदर उसको भी मैं फिक्स कर दूंगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे यूट्यूब को एंजॉय करो, और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हैं उनको टेस्टिंग करते रहो, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, और जो मैंने कमेंट बोला है ना वर्किंग वाला, वो कमेंट भाई प्लीज़ कर देना, वर्किंग लिखना और एक लाल कलर का दिल बना देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।